यहाँ पर एक शेयर के बारे में आपसे अलग से पूछना चाहूँगा, वो है रिलायंस। क्योंकि वो एक शेयर नहीं बल्कि अपने आप में एक सेक्टर जैसा हो गया है, बल्कि डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। तो इसकी चाल को लेकर के आपके मन में क्या आ रहा है? क्या इसकी चाल आगे बनी रहेगी, या जो पिछले ऊपरी स्तर थे उसको अब ये पार करने की तरफ भी जाएगा? पिछला टॉप तो हालांकि अभी थोड़ी दूर है, 2850 के 60 के आसपास था, अभी उससे थोड़ी दूर है, 100 सवा 100 रुपये। लेकिन इस बीच में इसको लेकर के एक खबर भी आई जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं निवेशकों के बीच में, ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर कंपनी की। मामला थोड़ा समझाइए, हुआ क्या है? तरीके से जिसको मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत फाइनेंस के डिटेल्स में नहीं जाता है उसको भी समझ में आए कि हाँ क्या हुआ है। नहीं, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो दो खबर आई थी वीकेंड के ऊपर, रिलायंस रिटेल को लेके और जियो फाइनेंशियल्स को लेके भी, आई थिंक उसमें एक अच्छा खासा मूव आज आपने स्टॉक प्राइस में देखा है। बट दो चीज़ें, एक आई थिंक जो जिया रेम्स हैं जिसपे रिफाइनिंग बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है, जिया रेम्स थोड़े सॉफ्ट है। रिलायंस के पास काफ़ी फीड स्टॉक ऑप्शन रहते हैं राजीव जी, और इसलिए उनकी जो जिया रेम्स की परफॉर्मेंस होती है वो प्रीमियम पे रहती है सिंगापुर जिया रेम्स के। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिले। जियो और रिटेल थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगा क्योंकि एक एक्सपेंडेड बेस था पिछले वित्त वर्ष के लिए, और शायद Q1 सिक्वेंशियली कंपेयर टू Q4 एक सॉफ्टनेस देखने मिले, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक स्टॉक हैज मूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली, की पिवट लेवल्स के ऊपर है जिनके पास से जरूर होल्ड किया जा सकता है। बट थोड़ा सॉफ्टनेस के कारण कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स रिजल्ट देखना चाहेगा। एट द सेम टाइम जो ये नया केपेक्स कर रहे हैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, दे स्टिल मेंटेन किए सारे केपेक्स के बाद भी जो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ये स्टिल स्ट्रॉन्ग रहेंगे फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस एंड इमर्जिंग बिजनेसेस, और इसलिए नेट डेट टू इक्विटी शायद एक्सपैंड ना हो गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो कुछ एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स हैं, बट कुछ माइक्रो स्टेटमेंट्स हैं जो शायद म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखाएं कुछ की बिजनेस सेगमेंट्स लाइक रिटेल इंजीनियरिंग। जी नहीं, वो तो बिजनेस परफॉर्मेंस की बात हुई, लेकिन ये जो खबर आई है रिलायंस रिटेल की कि आप शेयर कैपिटल को घटाएंगे और 1362 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये पे आउट होगा, तो इस मामले को थोड़ा समझाइए। कहीं पे एक खबर देख रहा था कि किसी ने शिकायत की कि मैंने 3400 रुपये पे ग्रे मार्केट में खरीदा था। मेरा पहला सवाल, ग्रे मार्केट में खरीदा ही क्यों था? लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है, वो एक दिखाता है कि अच्छा बाजार उसकी वैल्यू क्या लेकर के चल रहा था, और उसके मुकाबले अगर आपको ये 1367 की वैल्यू दिख रही है तो उसका कोई झटका निवेशकों को लग रहा है। लेकिन वो झटका मुझे यहाँ रिलायंस के ग्राफ में क्यों नज़र नहीं आ रहा है कि अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट है? लेकिन इसका ग्राफ तो आज गैप अप के साथ खुला है और अच्छी खासी मजबूती के साथ दिखा रहा है। तो ये जो पे आउट वाला मामला है, शेयर कैपिटल रिडक्शन का मामला है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, थोड़ा आसान लहजे में। तो पहले तो आई थिंक जो एक रिलायंस रिटेल का एक सवाल रहा है, जो कंसेंसस SOTP कैलकुलेशंस अगर आप देखते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस रिटेल का कहीं भी 850 950 के आसपास वैल्यूएशन आता। तो जो बायबैक या जो अनाउंसमेंट्स किए हैं रिलायंस ने, आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंटली बेटर देन मोस्ट एनालिस्ट जिसने पेक किया है रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन विच इज रोलिंग 2 ईयर फॉरवर्ड, यानी अच्छी खासी ग्रोथ इसमें मान के चल रहा है मार्केट। नाउ विद वॉट एवर इज हैपनिंग, आई थिंक जो एक कैपिटल बेस है रिलायंस के लिए ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है, बिकॉज विद दिस आई थिंक जो एक EPS अक्रीशन है कोर स्टॉक वैल्यूएशन में, यानी जो अर्निंग्स पर शेयर स्टॉक रिएक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन दिस न्यूज एंड कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स, ये थोड़ी बेहतर साइड पे हो सकती है। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज व्हाई यू आर सीइंग रिलायंस एक्ट पॉजिटिव। जी, इसमें फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? जो निवेशक हल्ला मचा रहे हैं उनको नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेरे हिसाब से आई थिंक यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट राजीव जी, कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स बने हुए हैं स्टॉक में उन्हें तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बहमत है, और अगले 4-5 वर्षों में आई थिंक नहीं, ये पिंच ऑफ सॉल्ट किनके लिए, कंपनी के लिए या जो निवेशक हल्ला मचा रहे हैं उनके लिए? नहीं, अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो मुझे लगता है यू हैव नो नीड टू कंप्लेन राजीव जी। एक्सचेंज में जो भाव दिख रहा है वो ठीक ही चल रहा है, तो आपके सामने तो कोई दिक्कत आई नहीं, ये आप कह रहे हैं? ओह एब्सोल्युटली जी। लेकिन कहीं पे क्या कुछ फाइनेंशियल जगलरी हुई है जिसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ है कहीं पे, ऐसा आपको लगता है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो।
जी, तो ये झूठ मूठ का हल्ला है? नहीं, इस पे तो मैं कहीं कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, लेकिन शेयर कैपिटल घटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कंपनी को? आई थिंक दैट्स एन इंडिविजुअल कॉल, तो मैनेजमेंट ने लिया है। और जैसे मैं कहा, आई थिंक वंस यू स्टार्ट कंसोलिडेटिंग योर शेयर कैपिटल, एक पॉजिटिव रिएक्शन आपके अर्निंग्स पे आता है विद अ रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल बेस। नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे तो ईपीएस बढ़ जाएगी, ईपीएस बढ़ जाएगी तो जो शेयर प्राइस आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन तो वो है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है, जिन्होंने ग्रे मार्केट में खरीद लिया उनको लग रहा है नुकसान हो गया। मैं वापस कहता हूँ, आई थिंक वी आर सभी रजिस्टर्ड, आप सही तरीके से आई थिंक इन्वेस्ट करें। ऐसे करेंगे तो फिर कंप्लेंट से कंप्लेंट रहेंगी, बट सही तरीके से इन्वेस्ट करें और लॉजिकली इन्वेस्ट करें। इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा कि भाई, मेरा तो पहला सवाल ही यही है कि ग्रे मार्केट में खरीदा क्यों। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए मयूरेश। और वैसे तो अभी बहुत कुछ गपशप करने का मन था, लेकिन उसके लिए फिर वापस मिलेंगे। बिल्कुल। और फिलहाल आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।